जिले भर में खाद व बीज की किल्लत से किसान हलकान है। अवैध रूप से किसानों को दोगुने कीमत पर यूरिया, पोटास और अन्य उर्वरक भी मिलना मुश्किल है। कलेक्ट्रेट के सामने दूसरे दिन शनिवार को आयोजित विरोध प्रदर्शन के दौरान किसान नेताओं ने यह बात कही। नेताओं ने कहा कि जिले में खाद की कालाबाजारी धड़ल्ले से अधिकारियों के संरक्षण में हो रहा है। खेती चौपट होता जा रहा है, किसानों की माली हालत दिन प्रतिदिन बदतर होती जा रही है, खेती की लागत बढ़ती जा रही है और खाद व बीज माफियाओं के जिम्मे है। धरने पर बैठे किसान नेता कमरे आलम, मोहम्मद आबिद, मोहम्मद मुश्ताक, पैक्स चेयरमैन नौशाद आलम, जितेंद्र यादव, पवन यादव, पंकज सिंह, राजा ठाकुर, राजेश शाह, राजा शाह, जगत शाह, सरोज पूर्वे, मिश्री लाल पूर्वे समेत अन्य ने कहा कि खाद माफिया और कृषि पदाधिकारियों की मिली भगत के मामले में जिला प्रशासन शीघ्र सीबीआई और आर्थिक अपराध इकाई से जांच की अनुशंसा करे, अन्यथा पूरे जिले में आंदोलन किया जाएगा। किसान नेताओं ने इस संबंध में डीएम व अन्य उच्च अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा है और मांग किया है कि 24 घंटे के अंदर ठोस कार्रवाई करते हुए किसानों को खाद व बीज उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो 5 दिसंबर से कलेक्ट्रेट पर किसानों के द्वारा सामूहिक अनशन शुरू किया जाएगा और पूरे जिले में किसान आंदोलन होगा। इस दौरान सदर SDM अश्विनी कुमार पहुंचकर किसानों को आंदोलन खत्म करने का आग्रह किया। उन्होंने आश्वासन दिया कि समस्याओं के समाधान की दिशा में उच्च अधिकारियों के द्वारा कार्रवाई की जा रही है, शीघ्र समाधान हो जाएगा। सरकार जो है ना निकम्मी सरकार है, सिर्फ फोकस देती है एसी में बैठ के। ये किसानों के हित की सरकार बिहार की सरकार नहीं है और लगता है कि आप देखे हैं अभी ज्वलंत उदाहरण है, 3 दिन पहले जहां पूरे जिला में खाद की हाहाकार मच रहा है, किसान जो है खाद बीज के लिए त्रैमाम कर रहा है और एक गोदाम के अंदर लाखों लाख टन अनाज मतलब जो है बीज और खाद जो है पड़ा हुआ है, जो आपने देखे हैं कि अनुमंडल पदाधिकारी सदर मधुबनी अश्विनी कुमार जी के द्वारा जब छापामारी गोपनीय सूचना के आधार पर की जाती है तो आप देखें आपके सामने में। इसलिए सरकार में किसान की हित नहीं हो सकती है। मैं भारत सरकार से मांग करना चाहता हूँ कि मधुबनी जिला के किसान को समुचित विकास के लिए, उनकी कृषि की सफलता के लिए निश्चित रूप से मधुबनी जिला में एक विजिलेंस की व्यवस्था हो, ताकि जो माफियाओं के पास जो गोदाउन में लाखों लाख टन जो खाद और बीज पड़ा हुआ है वह बाहर निकले और एक एक किसान को विधिवत रूप से वितरण करवाएं, ताकि अभी गेहूं का फसल की समय है। सरकार के द्वारा जो व्यवस्था बीज की वितरण की भी जो व्यवस्था की गई है मधुबनी जिला में बिल्कुल फ्लॉप है और यहां का किसान रो रहा है। आने वाला दिन में भी दलहन और गेहूँ की खेती संभव मधुबनी जिला में नहीं है। इसलिए आपके माध्यम से बिहार के माननीय मुख्यमंत्री हम नीतीश कुमार जी से आग्रह करेंगे कि आपका जो भ्रष्ट तंत्र है, आपका जो भ्रष्ट पदाधिकारी है, उस पर आप अंकुश लगावे और ऐसे दोषी पदाधिकारी के ऊपर विभागीय कार्रवाई करते हुए उनको तिहाड़ जेल में आप ढुकावें, ताकि हमारे मधुबनी जिला के किसानों की विकास हो पाएगा। आप हमारे मधुबनी न्यूज को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।